हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरदविंदर। आज हम सीखेंगे कि नेट बीन्स में आप जावा प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे एक बढ़िया कैलकुलेटर बना सकते हैं। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का एक कैलकुलेटर आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, कोडिंग कैसे कर सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। एक मैंने ऑलरेडी बना हुआ डेमो के लिए आपके पास स्पेशल कैलकुलेटर, इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे क्या करने वाले हैं। स्पेशल कैलकुलेटर को रन कर लेते हैं एक बार। ऑलरेडी दिस आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, तो एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आइडिया, क्या हमारा टारगेट है, ये क्लियर हो जाएगा। रन होने में थोड़ा समय लगता है, कंपाइल होता है। ये देखिए, ये ऑलरेडी कैलकुलेटर अपना रेडी है। 8 × 2 करते हैं इज इक्वल टू 16, और यू कैन से क्लियर बटन पे क्लिक करो, 12 × 5 इज इक्वल टू 60। तो ये कैलकुलेटर, ये हमारा टारगेट है, ये कैलकुलेटर हमने बनाना है आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बने रहिएगा, ध्यान से सीखेगा। और फाइल में जाके पहले न्यू प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में जावा विद मैवन ही काम करेंगे, जावा एप्लीकेशन में ही काम करेंगे। और इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट मैवन प्रोजेक्ट 13 ही रहने देते हैं और मिनिश कर देते हैं और देखते रहिए। अब हमने इसके लिए जैसे जावा 13 में सोर्स में जाके एक न्यू जावा जे फ्रेम ले लेना है। जे फ्रेम का नाम आप रख ले सकते हैं कोई भी, और मैं इसका नाम रखता हूँ माई जावा कैलकुलेटर। फ्रेम आपका बिल्कुल रेडी है, कुछ ही सेकंड में फ्रेम रेडी हो जाता है। और इसको रन करके एक बार चेक कर लो। चेक करते टाइम जब आप रन करेंगे, थोड़े सेकंड्स के लिए हमें वेट करनी होती है क्योंकि कंपाइल होता है कोड, सारा कोड कंपाइल होने के बाद, डीबग होने के बाद ही ये रन होता है कि अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो रन्स। तो फ्यू सेकंड्स हम वेट करेंगे जब तक हमारा पॉपअप आता है, फ्रेम को चेक करेंगे, उसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग शुरू कर देंगे। तो फ्रेम अपना बिल्कुल रेडी है, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें हमने अब कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है, बहुत ईजी प्रोसेस है। कैसे करना है हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। सबसे पहले तो हमने इसका ऊपर हेडिंग देना है कैलकुलेटर का, कोई भी नाम रखना है कैलकुलेटर को, इस साइज़ का रख लेते हैं थोड़ा सा, और इसको एडिट टेक्स्ट करके इसमें लिख देते हैं जावा कैलकुलेटर। और इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। इसको सबसे पहले तो हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में इसको सेंटर लाइन करना है, और फॉन्ट में जाके इसका साइज 18 करना है, और बोल्ड करना है, ओके करना है, और क्लोज करना है। तो ये जावा कैलकुलेटर अपना थोड़ा साइज में बड़ा कर लेते हैं, जो फालतू की स्पेस है रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो जावा कैलकुलेटर में हेडिंग रेडी है, और उसके बाद हमने इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड लगाना है। टेक्स्ट फील्ड ले लीजिए यहाँ से, और यहाँ पे डिज़ाइन कर दीजिए आप टेक्स्ट फील्ड को, और इसका एडिट टेक्स्ट करके इसमें कुछ भी ब्लैंक ही रखना, हमने इसमें कुछ लिखना नहीं। और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इसकी राइट रहेगी, और इसका फॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 14। ओके, तो एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि इज इट वर्किंग फाइन और नॉट। तो ये सही है, थोड़ी लेफ्ट पे मार्जिन कम है और राइट पे ज़्यादा है, थोड़ा ये सेट कर लेते हैं, बाकी अदरवाइज इट्स गुड। आगे डिज़ाइन करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से मार्जिन हम कम कर देते हैं। तो अब इस पे बटन्स लगाने हैं हमने। बटन के लिए एक बटन उठाइए और उसको अच्छे से डिज़ाइन कीजिए, उसी की कॉपीज फर्दर बना लेंगे। इसमें लिख देते हैं 7, और इसको थोड़ा अलाइन करना हमने बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे, और थोड़ा इसकी हाइट और विड्थ बढ़ा के, और इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। इसमें हमने फॉन्ट में जाके इसका साइज़ कर देते हैं 14, बोल्ड कर देते हैं, ओके क्लोज। तो बटन अपना रेडी है, और इसको आपने कंट्रोल सी से कॉपी बना लेनी है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करके इसकी कॉपी रेडी है। और इसको आपने कॉपी को, जो नीचे वाली कॉपी है उसको डिज़ाइन में रहिए, कंट्रोल जेड इसको यहाँ पे सेट कर दो, और दोबारा से कंट्रोल वी कीजिए। एक बार कॉपी करने के बाद आप नंबर ऑफ टाइम इसकी पेस्ट करके कॉपीज बना सकते हैं, बाद में इसको एडिट करेंगे, इस पर जो भी हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसका साइज थोड़ा और छोटा हो जाएगा तो बेटर है, ये सही है। तो ये रो तैयार है, इसको कंट्रोल के साथ माउस के साथ क्लिक करने से आप सेलेक्ट कर लो, और कंट्रोल वी से इसकी पूरी की पूरी कॉपी तैयार कर लो, और नीचे कंट्रोल वी और नीचे
और कंट्रोल वी और नीचे, और इसको थोड़ी सी स्पेस चाहिए हमें इस फ्रेम को नीचे में, नीचे के नीचे में, तो एक बार और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करोगे तो थोड़ी सी स्पेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये डिज़ाइन तैयार है अपना, इसमें हमें ये बटन नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, इसका इस साइड बटन का साइज़ बड़ा कर देते हैं। इस बटन पे हम लिखना चाहते हैं क्लियर, और इस बटन पे हम लिखना चाहते हैं बैक। एक बार डिज़ाइन को चेक कर लेते हैं रन करके। डिज़ाइन गुड, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, और उस पर हम क्या क्या लिखना चाहते हैं वो वैल्यूज़ एडिट कर देते हैं। 7 सही है, और यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट करके लिखना चाहते थे 8, और यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट करके लिखना चाहते थे 9, और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके लिखना चाहते थे 6, और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप लिखना चाहते थे 5, और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके लिखना चाहते थे 4, और यहाँ पे आप लिखना चाहते थे 3, और यहाँ पे चाहते थे 2, और यहाँ पे 1। थोड़ी स्पेस कम रहेगी हमारे पास। ये रो और चाहिए हमें, एक बार दोबारा से सेलेक्ट कर लो रो सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे आप लिखना चाहते थे 0 0, और यहाँ पे डॉट जहाँ पे हम लिखना चाहते हैं इक्वल टू का साइन, और हेयर वी वांट प्लस, हेयर वी वांट माइनस, और हेयर वी वांट मल्टीप्लाई, एंड हेयर वी वांट डिवाइड। ओके, थोड़ा साइज में, यस अब सही है। तो एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा डिज़ाइन जो है रेडी है, और इसके बाद हमने इसकी कोडिंग करनी है, कोडिंग में वर्किंग फंक्शनैलिटी करनी है इसकी, कि इस बटन पे क्लिक करने पे क्या डिस्प्ले हो। तो ये रेडी है, कोई बटन अभी काम नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ डिज़ाइन तैयार हुआ है। तो इसमें हम देखें तो राइट पर लिखा जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि 7 पे क्लिक करें, यहाँ पे 7 डिस्प्ले हो जाए, और 8 पे क्लिक करें तो 7 के साथ 8 कनकैटिनेट होके दोनों 78 बन जाए। ये हमारा टारगेट आगे, तो इसके लिए कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले 7 पे क्लिक करने पे आप यहाँ पे क्लिक करके इवेंट एक्शन परफॉर्म्ड, तो इस पे क्लिक करने पे हम क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, जस्ट डिज़ाइन में जाइए, राइट क्लिक करके इवेंट एक्शन परफॉर्म, यहाँ पे आ गया। आप इस बटन पे क्लिक करने पे क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहले तो हमने डिज़ाइन में चलते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जे टेक्स्ट फील्ड, इसका नाम चेंज करते हैं, इसका चेंज वेरिएबल नेम पे क्लिक करेंगे, इसका नाम है जे टेक्स्ट फील्ड 1। मैं इसको थोड़ा ईजी कर देता हूँ, T1 कर देता हूँ, इसका नाम T1 ईजी रहेगा, प्रोग्रामिंग में ईजी रहेगा हमारे पास। तो अब दोबारा से इसको इवेंट एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो मैं जब इस बटन पे क्लिक करूं, मैं चाहता हूं कि जो जे टेक्स्ट फील्ड 1 है अपना, उसका मैंने T1 नाम कर दिया, उसमें सेट हो जाए 7, T1 डॉट सेट टेक्स्ट, उसमें 7 सेट हो जाए। तो ये मेरा टारगेट, अभी चेक कर लेते हैं रन करके। वेट करनी होती है आपने, कंपाइल होता है कोड, उसके बाद रन होता है, थोड़ा समय ज़रूर लगता है, 1-2 सेकेंड वेट करनी होती है, उसके बाद डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर पॉपअप की फॉर्म में, देन फ्यू सेकेंड्स इट विल बी ऑन स्क्रीन। कंपाइलेशन हो गया, और ये देख रहे हैं कि मैं 7 क्लिक कर रहा हूँ तो 7 आ गया है, और 7 तो आ गया, लेकिन 7 के बाद दोबारा से 7 प्रेस कर रहा हूँ, पुराना 7 रिप्लेस हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर वो आगे फर्दर 77 नहीं बना रहा। तो मैं चाहता क्या हूँ, एक बार इसको थोड़ा बोल्ड कर दें, शायद इसकी बोल्डनेस नहीं आई है, फॉन्ट में जाके ये बोल्ड नहीं हुआ था,
ओके गाइस, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब हम 7 पे क्लिक कर रहे हैं तो 7 आ गया, दोबारा से 7 पे क्लिक कर रहे हैं, वो 77 नहीं बन रहा, वो 7 पिछले वाला अपना रिप्लेस हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि पुराना 7 भी आए और उसके साथ ये नया जो हम दोबारा से प्रेस करें कनकैटिनेट हो जाए, वो 77 बन जाए, 777 बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पहले उसमें ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है उसको गेट कर लेंगे, उसके साथ नया 7 कनकैटिनेट करेंगे और दोबारा से स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे हम। तो इसके लिए हम लिखेंगे t1 डॉट गेट टेस्ट एंड प्लस लिख देते हैं कॉन्कैटिनेशन के लिए, जो टेक्स्ट t1 में ऑलरेडी टेक्स्ट है उसको गेट करेगा और उसके साथ 7 को अपेंड करेगा, उसके एंड में 7 अटैच करेगा और स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो 77 नेक्स्ट टाइम 77 को गेट करेगा और नेक्स्ट 7 ऐड करके 777 बन जाएगा। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट। यस, इट्स वर्किंग फाइन और ये बोल्ड भी हो गया। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। और इसको कॉपी कर लेते हैं इस कोड को, क्योंकि हमें इस कोड की बहुत बार ज़रूरत पड़ने वाली है अभी। और ये 7 के लिए हमने कोड कर दिया और आगे हमने 8 के लिए कोड करना है। इवेंट एक्शन परफॉर्म्ड पे क्लिक करके 8 के लिए कोड करना, और यहाँ पर लिख दोगे 8। और 8 के बाद हमने 9 के लिए कोड करना है इवेंट एक्शन परफॉर्म्ड, और यहाँ पर आप लिख दोगे 9। और अब हमने कोड करना है 4 के लिए इवेंट एक्शन परफॉर्म्ड, और यहाँ पे आप लिख दोगे 4। और अब हमने 5 के लिए करना है इवेंट एक्शन परफॉर्म्ड, तो यहाँ पे लिख दोगे 5। अब हमने 6 के लिए कोड करना है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 6। सिमिलरली थ्री, देन 2 और 1, एंड देन 2, देन यू राइट हियर 1, देन you write here 0, then you write here a decimal point, जो पॉइंट हम लगाना चाहते हैं जिसको डॉट भी कहते हैं। इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे सारे बटन्स वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली या नहीं, किसी में कोई डाउट है या कोई एरर है तो वी कैन सॉर्ट आउट। तो लेट अस चेक द ऑल बटन्स, रन कर रहे हैं प्रोग्राम को, कुछ ही सेकंड्स लगते हैं इसको रन होने में, कंपाइल होता है हर बार और उसके बाद उसकी डिबंगिंग होती है। 7 वर्क कर रहा है, 7 भी वर्क कर रहा है, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0 एंड डॉट, ऑल बटन्स आर वर्किंग फाइन, बट प्लस ये ऑपरेटर्स पे हमें अभी आपने काम नहीं किया है। तो अभी हमने इस पे ऑपरेशंस पे काम करना है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं डिवाइड पे क्लिक करूँ तो क्या हो, जो ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू हुआ है वो हम कहीं स्टोर कर लेंगे, जो ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू हुआ है वो कहीं स्टोर कर लेंगे, मतलब किसी वेरिएबल में, और इस टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक कर देंगे और एक ऑपरेटर वर्ड स्ट्रिंग लेंगे हम ऑपरेटर, उसमें डिवाइड का ऑपरेटर सेव कर देंगे और उसके बाद उन दोनों नई वैल्यू एंटर करेंगे, जो नई वैल्यू एंटर करेंगे वो बी में स्टोर करेंगे और दोनों पे डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करके दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स में रिजल्ट डिस्प्ले हो जाए, दिस इज़ आर टारगेट। तो उसके लिए दोबारा से हम कोड में जाते हैं, कोड में बिल्कुल बिगनिंग में जाना होगा हमें, कंट्रोल होम की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो बिल्कुल बिगनिंग में आ जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम शुरू होता है पहली क्लास में हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं, डबल डेटा टाइप के 3 वेरिएबल ले लेते हैं, ए बी और सी। ए लेंगे फर्स्ट वैल्यू स्टोर करने के लिए, सी लेंगे हम बी लेंगे सेकंड वैल्यू स्टोर करने के लिए और सी हम रिजल्ट स्टोर करने के लिए। 3 वेरिएबल हमने ले लिए हैं, तीनों की डेटा टाइप हमने डबल ली है। डबल में हम कितनी मर्जी बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू, चाहे पॉइंट्स या बिना पॉइंट्स के, हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, इसलिए डबल डाटा टाइप की डाटा टाइप के लिए। और एक स्ट्रिंग लेंगे हम ऑपरेटर, इसमें हम एक ऑपरेटर स्टोर करेंगे जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस। ऑपरेटर को हम हमेशा एज ए करैक्टर, एज ए स्ट्रिंग ही सेव कर सकते हैं, एज ए करैक्टर सेव कर सकते हैं, न्यूमेरिक में नहीं सेव हो सकता। तो 3 वेरिएबल हमने लिए हैं, दोबारा से स्पेशल जावा कैलकुलेटर में आएंगे, डिज़ाइन में जाके हम जब इस बटन पर क्लिक करें
क्या एक्शन परफॉर्म हो, तो ये हम चाहते हैं। यस ये कैलकुलेटर नहीं था हमारा, ये माई जावा कैलकुलेटर था, ये ऑलरेडी बना हुआ है। राइट क्लिक करके इवेंट एक्शन परफॉर्म्ड, दिस इज। तो हमारा क्या टारगेट था, जो उसमें ऑलरेडी टेक्स्ट वैल्यू है वो आपकी ए में स्टोर कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू ए या डबल डेटा टाइप, और टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू होती है स्ट्रिंग में, तो उसको स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करके ही ए में स्टोर कर सकते हैं। यू नो ए विल नॉट एक्सेप्ट टेक्स्ट वैल्यू, इस डाटा टाइप इज डबल, तो वी नीड टू कन्वर्ट दैट टेक्स्ट वैल्यू इनटू डबल, देन इट विल बी एक्सेप्टेबल टू ए। तो फॉर कन्वर्टिंग इट वी विल राइट डबल डॉट पार्से डबल डॉट एट टी वन हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिया था, टेस्ट गेट टेस्ट। तो हमने टेक्स्ट बॉक्स में जो ऑलरेडी वैल्यू हुआ उसको ए में स्टोर कर लिया, और ऑपरेटर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया था और उसमें हमने स्टोर कर दिया डिवाइड का सिंबल। ऑपरेटर का आई थिंक हमने ओ कैपिटल लिया था या स्मॉल लिया था, ये एक बार चेक कर लेते हैं। ओ हमने स्मॉल लिया था। दोबारा से इवेंट एक्शन परफॉर्म में क्विकली हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ए ओ ऑपरेटर का हमने ओ जो है स्मॉल लिया था, तो इसलिए एरर आ रहा है। तो इट्स ओके, स्मॉल कैप्स का भी ध्यान रखना है। और तीसरा काम था हमारा कि जो टी वन डॉट सेट टेक्स्ट है वो ब्लैंक हो जाए, टी वन ब्लैंक हो जाए। तो टी वन डॉट सेट टेक्स्ट शुड बी ब्लैंक, ये मैंने डबल कोट्स ओपन क्लोज कर दिया, मतलब वहाँ पे कुछ ना हो, ब्लैंक हो जाए। तो तीन काम किया, जैसे ही डिवाइड बटन पे क्लिक करते हैं तो उसमें जो ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू वो ए में स्टोर होगी, और ऑपरेटर एक हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप का लिया था उसमें डिवाइड सेव हो गया और टेक्स्ट बॉक्स अपना खाली हो गया। इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। एक बार रन करके चेक कर लेते हैं माई जावा कैलकुलेटर को। रन करने के लिए कुछ सेकंड वेट करनी है हमने, और स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। जैसे मैं 78 लिख रहा हूँ, डिवाइड पे क्लिक कर रहा हूँ, ब्लैंक हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई पे नहीं हो रहा क्योंकि हमने डिवाइड पे अभी प्रोग्रामिंग कर दी है। तो जो 78 था ए में स्टोर हो गया, और ऑपरेटर में डिवाइड सेव हो गया, और टेक्स्ट बॉक्स अपना खाली हो गया। तीनों ऑपरेशन ये हैं परफॉर्म हो गए हैं, तो मतलब ये डिवाइड का जो बटन है इसका काम कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए हम बाकी बटन्स के लिए भी काम करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए इवेंट एक्शन परफॉर्म्ड में जाके फिर से हमने कल कैलकुलेटर उठा लिया था, मेरे ख्याल से अपना जो कैलकुलेटर था दैट वाज माय जावा कैलकुलेटर, यस यही था, ये अपना कैलकुलेटर है। और इसकी रन करके चेक कर लेते हैं, सही है, ऑलरेडी पहले से भी कैलकुलेटर खुला हुआ है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, चेक कर रहे हैं। 89 किया डिवाइड और 56 किया, ये वर्क नहीं कर रहा, सही है, यही अपना कैलकुलेटर है। और इसके सोर्स में जाएंगे हम, सोर्स में जाने के बाद डिज़ाइन में हमने अब मल्टीप्लाई के लिए काम करना है, तो राइट क्लिक करके इवेंट इसमें इवेंट एक्शन परफॉर्म में क्लिक करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे तो इसमें मल्टीप्लाई सेव कर देंगे, बाकी एवरीथिंग सेम ही है। और दोबारा से डिज़ाइन में जाके इसमें हमने इवेंट एक्शन परफॉर्म में जाके इसमें हमने माइनस स्टोर कर देना है। डिज़ाइन में जाके इसमें हमने इवेंट एक्शन परफॉर्म में इसमें प्लस स्टोर कर देना है। और ये सारे बटन्स का काम हो गया, सभी बटन्स का, माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन। अब हम चाहते हैं इज इक्वल टू पे क्लिक करने पे क्या हो। इज इक्वल टू पे क्लिक करने पे हम क्या चाहते हैं, देखिए हमने 78 एंटर किया था, और 78 एंटर करने के बाद डिवाइड पे क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स खाली हो गया। ये जहाँ तक हमारी 78 की वैल्यू है ए में स्टोर होगी, और डिवाइड में ऑपरेटर एक वेरिएबल था जिसमें डिवाइड सेव हो गया। हम नई वैल्यू एंटर करेंगे, जो नई वैल्यू एंटर करेंगे वो बी में स्टोर कर लेंगे, और दोनों पे डिपेंड करता है, अगर ऑपरेटर में डिवाइड का साइन है तो डिवाइड होके स्क्रीन पे दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स में डिवीजन आंसर प्रिंट हो जाए, अगर मल्टीप्लाई का सिंबल है ऑपरेटर में तो दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई होके टेक्स्ट बॉक्स में मल्टीप्लाई प्रिंट हो जाए। तो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेटर वेरिएबल में स्टोर है। तो इज इक्वल टू पे क्लिक करने पे हमने क्या क्या टास्क करना है, जो अभी
रिफ्रेश वैल्यू एंटर करेंगे हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो बी में स्टोर हो जाए। उसके बाद ऑपरेटर को चेक करेंगे, ऑपरेटर में डिवाइड है, मल्टीप्लाई है या माइनस है, उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन परफॉर्म करके सी में स्टोर कर देंगे आंसर, और सी को दोबारा से हम टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवा देंगे। दिस इज़ आर टारगेट। तो राइट क्लिक करके इवेंट एक्शन परफॉर्म पे क्लिक करेंगे हम। तो सबसे पहले टारगेट क्या है, तो जो अभी लेटेस्ट वैल्यू बी टेक्स्ट बॉक्स में हमने एंटर की है, डिवाइड पे क्लिक करने के बाद जो नई वैल्यू एंटर की है वो हम बी में स्टोर करें। इसके लिए हम इसको कन्वर्ट करके डबल डॉट पार्स डबल, तो टी वन डॉट गेट टेस्ट, आपको बताया था कि पार्स डबल क्यों लगाते हैं हम कन्वर्ट करने के लिए, दो बी में स्टोर हो गई है। अब डिपेंड करता है कि ऑपरेटर में क्या है, अगर ऑपरेटर के अंदर अपने पास है डिवाइड तो सी हो जाएगा ए डिवाइड बाय बी, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर अभी ऑपरेटर में आपके पास है मल्टीप्लाई, सॉरी हमने शायद एक्स लिया था, इस मे बी मल्टीप्लाई लिया था, एक्स लिया था, वो चेक कर लेते हैं। डिज़ाइन में जाके इसको आप इवेंट एक्शन परफॉर्म पे क्लिक करेंगे, हमने इसमें मल्टीप्लाई लिया था, यस मल्टीप्लाई का स्टार का सिंबल लिया था, तो अभी हम इस पर काम कर रहे थे इवेंट एक्शन परफॉर्म यस, तो हमने स्टार ही लिया था कि अगर स्टार है ऑपरेटर के अंदर तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अगर ऑपरेटर के अंदर प्लस का सिंबल है तो प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अगर ऑपरेटर के अंदर माइनस का सिंबल है तो हम माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद सी में वैल्यू आंसर आ गया, अब हमने सी को डिस्प्ले करवाना है नए ढंग से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। सी में स्ट्रिंग वैल्यू होती है, सी में अभी डबल डेटा टाइप की वैल्यू, और हम टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग की वैल्यू, तो यहाँ पे डबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ही आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो कैसे, लेट अस सी। तो आप लिखोगे टी वन डॉट सेट टेस्ट स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ सी, तो हमने जो सी की वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दोबारा से स्क्रीन अपने टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवा दिया। रन करेंगे, सेवेंटी एट मल्टीप्लाई बाय टू इजकल टू 156, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। दोबारा से क्लियर कर देते हैं, क्लियर बटन अभी चल नहीं रहा, तो क्लियर बटन के लिए भी प्रोग्राम करना है हमने। राइट क्लिक करेंगे क्लियर बटन पे, इवेंट एक्शन परफॉर्म्ड, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना हमने, सिंपली सेट टेक्स्ट क्लियर करना है। तो टी वन डॉट सेट टेक्स्ट ब्लैंक, तो सिंपली ब्लैंक हो जाएगा, जैसे ही क्लियर पे क्लिक करेंगे तो सेट टेक्स्ट अपना ब्लैंक हो जाएगा। रन करेंगे फिर से, वेटिंग होती है, डिपेंड करता है कोड पे, मैंने लिखा 78.2 माइनस 80, तो सही आंसर आ गया। और अब लिखते हैं, क्लियर करते हैं इसको, और 23 मल्टीप्लाई बाय 2 46, सही वर्क कर रहा है, अपना कैलकुलेटर रेडी है। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए हैं कि कैसे हमने कैलकुलेटर बनाया, इसकी कोडिंग की है। पहले आप सिर्फ फ्रंट एंड डिज़ाइन तैयार कीजिए, डिज़ाइन पे फोकस कीजिए, और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप सारा कैलकुलेटर, हाउ टू क्रिएट दिस कैलकुलेटर यू कैन लर्न। एक ऑपरेशन, एक दो ऑपरेशन और चेक कर लेते हैं, प्लस का ऑपरेशन चेक कर लेते हैं, पहले क्लियर कर दो, 32.2 प्लस 32.2, तो आंसर आ रहा है 64.4, तो सही है, ऑल ऑपरेशंस आर वर्किंग फाइन। थैंक यू, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस हाउ टू डेवलप अ कैलकुलेटर। थैंक यू वेरी मच।